हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं घूमने जा रही हूँ, तो मैंने काफ़ी लंबे टाइम बाद घर से छुट्टी ली है और अभी मैं जा रही घूमने के लिए। तो फिलहाल तो हम सब लोग जा रहे हैं, मतलब सब लोग गाड़ी में बैठे हुए, लेकिन जा कोई नहीं रहा, सिर्फ मैं जा रही हूँ, ये अपने अपने काम से जा रहे हैं। तो देखते हैं मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ। और बहुत ही माइंड डिस्टर्ब हो गया था इतने दिनों से, तो सोचा कहीं चलते हैं घूमने के लिए। तो बड़ी मशक्क़तों के बाद मैं घर से निकल पाई, तो चलिए अभी चलते हैं और फिर आपसे मिलूंगी थोड़ी देर के बाद। और अभी मैं पहुंच गई हूँ हल्द्वानी में और बहुत गर्मी है गाइस, धूप देखिए। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। और अभी हमें इस वक्त भीमताल में और मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ठंड भी है यहाँ पर, मुझे लगा था गर्मी होगी लेकिन ठंड है। गाइज आप देख सकते हैं पीछे कितना प्यारा व्यू है और अभी मैं पेड़ खड़े हुए हैं, कुछ सामान लेना था। और अभी हम हैं मुक्तेश्वर में और मुक्तेश्वर का मौसम बहुत अच्छा है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए बहुत शानदार, और ठंड है यहाँ पे, लोग स्वेटर पहनकर घूम रहे हैं। उत्तराखंड डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और मैं बता देती हूँ आपको कि हम कहाँ हैं। हम हैं मुक्तेश्वर में और यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है और मुझे तो पता नहीं था कितनी ठंड यहाँ पे होगी, और मैं कुछ भी नहीं गई स्वेटर वेटर ऐसे ही घूम रही हूँ, बट अच्छा है।
वहाँ की गर्मी से तो काफ़ी बेटर है। खैर ठंड वहाँ पे भी हो जाएगी कुछ टाइम में, बट यहाँ पे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ठंड है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ऐसे घूमने हम लोग आए यहाँ पे। सो देखते हैं अभी आगे क्या करते हैं, तो तब तक बने रहिए आप। देखिए इस पेड़ पर लगे हुए हैं ये फ्रूट्स, ये देखिए, और मौसम देखिए कितना प्यारा हो रहा है, पूरा कोहरा लगा हुआ है। और इसमें से मैंने एक तोड़ लिया है, इसको टेस्ट करेंगे ये कैसा होता है। ठंड के मौसम में अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो अभी लोग चाय पियेंगे। हम अपनी चाय लेते हैं, पकोड़े खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। और गाइस यहाँ पे होने लगी है बारिश बहुत तेज की, और ऊपर से ठंड है और बारिश हो रही है, तो मतलब मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे पुत्र आखंड में। काफी तेज हो रही है तो हम लोग निकल रहे हैं घर को क्योंकि काम है काफी सारे, तो चलिए घर को चलते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। भागो डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे पुत्र आखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। क्या कर रही है? चाय बना रही हूँ। मेरे लिए? हाँ। वाह ठीक है ठीक है बना। और ये? ये तो गड़ेची है। ऐसे हाँ ऐसे आटे का वेस्ट कर दी है। या यार। यो मौसी के घर पे, और ये है मेरी प्यारी सी छोटी सी सिस्टर, और ये मेरे लिए बनाई हुई है चाय। आती है मुझे चाय बनाने। है कि छोटी सी लेकिन इसको चाय बनानी आती है, तो ये चाय बना रही है। तो चलिए अभी हम चाय पियेंगे और उसके बाद चेंज करती हूँ मैं तब तक। तो और यहाँ पर ये बना रही है गणेश जी, आटे का वेस्ट कर रही है। तो चलिए आई होप आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।